अपने इनफर्टिलिटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज बात करना चाहूंगी IUI के बारे में। IUI क्या होता है? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। तो मैं डॉक्टर प्रिया मील शिवालिक हॉस्पिटल सीकर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करते हैं IUI के बारे में। IUI क्या होता है? जो स्पर्म्स होते हैं, शुक्राणु, जो कि मेल पार्टनर से डिपॉजिट किए जाते हैं फीमेल के यूट्रस यानी कि बच्चेदानी के अंदर अराउंड द टाइम ऑफ ओवुलेशन, मतलब कि जब ओवम से एग रिलीज हुआ है उस टाइम पे ये डिपॉजिट किया जाता है। IUI किया कब जाता है? जब आप काफी परेशान हो चुके हैं, ओवुलेशन इंडक्शन ट्रीटमेंट आप ले चुके हैं लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तब अपन आते हैं IUI के ऊपर। IUI के फायदे क्या होते हैं? सबसे पहली बात, जब IUI किया जाता है तो सर्विक्स को बाईपास किया जाता है, मतलब कि जो बच्चेदानी का मुंह होता है वहां से जो स्पर्म ऊपर ट्रेवल करता हुआ जाता है वो उसका काम कम हो जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो पहला फायदा ये है कि आपके सर्विक्स की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आड़े नहीं आएगी। दूसरा क्या होता है, स्पर्म जो होता है सीमन सैंपल को पहले वॉश किया जाता है, कुछ भी इम्प्योरिटीज होती हैं उनको क्लीन किया जाता है, कुछ भी इन्फेक्शन या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपके जो बेहतरीन स्पर्म्स होते हैं उन्हीं को यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। तीसरा पॉइंट, ये किया जाता है ओव्यूलेशन के टाइम पे, मतलब जब ओवम से एग रिलीज हो चुका है तो आपके हाई चांसेस रहते हैं इससे कंसीव होने के। तो ये हैं अपने IUI के फायदे। इसकी अपन जब सक्सेस रेट की बात करें तो IUI की सक्सेस रेट क्या है, जब नेचुरल साइकिल से आप कंसीव होने के जो आपके चांसेस होते हैं वो होते हैं 4-5%, IUI में ये चांसेस बढ़ के हो जाते हैं 8-10%। अब हम आते हैं IUI किया क्यों जाता है। पहला इंडिकेशन अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, मतलब कि वो इनफर्टिलिटी जिसका कोई कारण नहीं है, सारे टेस्ट सब कुछ नॉर्मल है लेकिन फिर भी आप अपने पर्टिकुलर टाइम पे, जो कि 1 ईयर का अपन कहते हैं कि 1 ईयर तक आप रेगुलर टाइम पे इंटरकोर्स कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको अपन कहते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। सेकेंड पॉइंट, आपको इंटरकोर्स में प्रॉब्लम है, मेल पार्टनर को इरेक्शन में प्रॉब्लम है या फिर प्रीमेच्योर इजेकुलेशन हो रहा है। थर्ड पॉइंट, मेल की सब फर्टिलिटी, जैसे कि स्पर्म काउंट लो है, मोटिलिटी लो है, तीसरा उसकी मॉर्फोलॉजी एबनॉर्मल है या फिर सीमन में स्पर्म्स ही नहीं है, जिसको अपन कहते हैं अजूस्पर्मिया। अजूस्पर्मिया में IUI बहुत अच्छी सक्सेस रेट देता है, उसमें हम क्या करते हैं डोनर सीमन से IUI करते हैं जिसमें कि दूसरे का सीमन लिया जाता है, जैसे कि स्पर्म बैंक्स होते हैं, सीमन बैंक्स होते हैं, वहाँ से आपको ये प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है सीमन की कोई एलर्जी है, जैसे कि सीमन में एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन की अगर आपको एलर्जी है तो भी आप कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है, तो जब सीमन वॉश होता है उसमें वो प्रोटीन को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट आता है सर्वाइकल फैक्टर की वजह से जो इनफर्टिलिटी होती है, सर्वाइकल फैक्टर जो कि सर्विक्स होता है, बच्चेदानी का मुंह होता है, सर्विक्स से म्यूकस प्रोड्यूस होता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, वो म्यूकस स्पर्म को यूट्रस को ट्रैवल करने में हेल्प आउट करता है और वहाँ से वो ऊपर यूट्रस तक स्पर्म ट्रैवल करके जाता है। तो कई बार क्या होता है ये म्यूकस बहुत ज़्यादा थिक है तो भी आपको स्पर्म ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तीसरा, जो सर्विक्स की ओपनिंग है वो बहुत ही नैरो है और स्कैड है, स्कैड मतलब होता है कि आपकी वहाँ से वो काफ़ी टाइट है तो वहाँ से स्पर्म अंदर ही नहीं जा पाएगा, तो ये होता है सर्वाइकल फैक्टर इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट आता है आपके जैसे इरेगुलर पीरियड्स हैं, आपको पता ही नहीं है कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है, तो उसमें आपका ओव्यूलेशन टाइम कन्फर्म किया जाता है और फिर ये IUI किया जाता है। एक आता है एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस में भी IUI कब हेल्प करेगा, जब आपका ओवेरियन रिजर्व बहुत अच्छा है तब आप IUI करवा सकते हैं। अब ये IUI कब प्रेफर नहीं किया जाता है, आप 2 से 3 IUI करवा चुके हो, सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो हम प्रेफर करेंगे कि आप IVF की तरफ बढ़े। दूसरा, आपकी जो फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं, जो यूट्रस के साइड में ट्यूब्स हैं, वो दोनों ही ब्लॉक्ड हैं, तो भी IUI करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ओवम जो है वो एग जो रिलीज करेगा वो एग ट्रेवल करके ट्यूब से यूट्रस तक आना जरूरी है, लेकिन जब आपकी ट्यूब ही बंद है तो वो एग यहाँ तक नहीं आ पाएगा। तीसरा, दोनों ही पार्टनर्स हायर एज पे हैं, तो हायर एज में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे बढ़ना चाहिए। फोर्थ, आपका ओवेरियन रिजर्व जो है वही पुअर है तो भी ये IUI आपके फायदे का नहीं है, या फिर आपको एक कोई भी एक्टिव वजाइनल इन्फेक्शन है तो भी IUI नहीं करवाना चाहिए क्योंकि उस टाइम पे स्पर्म्स आपके एक्टिव नहीं रह पाएंगे और वो ऊपर ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, स्पर्म्स
जो है वो किल भी हो सकते हैं ड्यू टू एक्टिव वजाइनल इन्फेक्शन। अब ये IUI किया कैसे जाता है, तो अपने जब स्टार्टिंग करते हैं तो आपको सेकेंड डे पे आपको बुलाया जाएगा, आपके कुछ ब्लड टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे, आपकी सोनोग्राफी की जाएगी टू सी द एंट्रल फॉलिकुलर काउंट। एंट्रल फॉलिकुलर काउंट क्या होता है, जो आपके फॉलिकल्स उस टाइम पे बनने शुरू हुए हैं वो आपके देखे जाएंगे। फिर आपको ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स दी जाएगी। जब आपका ओवम एक प्रिपेयर हो जाएगा 18-20 mm साइज का हो जाता है अराउंड 12th या 14th डे पे, जो कि आपको आपके डॉक्टर आपको बुलाएंगे उस डे पे, सोनोग्राफी करके देखेंगे जो ओवम की साइज होगी, अगर वो 18-20 mm तक पहुंच चुकी है तो उसको रप्चर करने के लिए एक ट्रिगर इंजेक्शन दिया जाता है और वो इंजेक्शन दिया जाएगा और उसके विदिन 24-36 आवर्स आपका IUI किया जाता है। IUI में कैसे करते हैं, आपको पोजीशन दी जाएगी, पोजीशन देने के बाद में आपके स्पेकुलम इंसर्ट किया जाता है टू पुश द वजाइना डाउन। फिर आपका सर्विक्स देखा जाता है, सर्विक्स से फिर एक IUI कैथेटर आता है, उससे आपका जो सैंपल होता है सीमन सैंपल, जिसमें स्पर्म्स जो कि वॉश्ड सीमन सैंपल है वो आपके इंसर्ट किए जाते हैं। ये प्रोसीजर मुश्किल से 10-15 मिनट्स का होता है, इसमें आपको कोई एनेस्थीशिया की जरूरत नहीं होती है, जैसे आप हैं एक्टिवली वैसे ही ये किया जाता है। इसके कोई रिस्क है, रिस्क में इतना ही हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो सकता है। सेकंड, आपको मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो सकती हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी किस लिए होंगी, क्योंकि जो ओवम है वहां से मान लीजिए आपके एग रिलीज हुआ है, तो आपके अगर 2 eggs रिलीज हुए हैं, 2 sperms मीट कर जाते हैं, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है। थर्ड इज ओवरिन हाइपरस्टिमुलेशन सिंड्रोम। ये क्या होता है, आपका जो फर्टिलिटी मेडिसिन आपको दी जा रही है उसके लिए एक्सजरेटेड रिएक्शन ऑफ ओवरीज टू दैट फर्टिलिटी मेडिसिन की वजह से OHSS होता है। ये अपन नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। रीजंस क्या होते हैं फेल्ड IUI के लिए, सबसे पहला कि आपकी जो ट्यूब्स हैं उनकी मोटिलिटी नहीं है, ट्यूब्स ही स्कैड हैं, तो क्या होगा कि जो एग होगा वो यूट्रस तक नहीं आ पाएगा। सेकंड, ओवरिन रिजर्व इज पुअर। थर्ड, इम्प्लांटेशन फेलियर ड्यू टू एंडोमेट्रियल फेलियर, मीन्स योर एंडोमेट्रियम जो है, जो बच्चेदानी के अंदर की जो थिकनेस होती है, जो चमड़ी होती है, वो तैयार नहीं है पूरी तरीके से टू इम्प्लांट द फर्टिलाइज्ड एग। सो प्लीज डोंट गेट डिसहार्टेंड, क्योंकि IUI इज नॉट द लास्ट ऑप्शन एंड द ओनली ऑप्शन फॉर फर्टिलिटी फॉर कंसेप्शन। नेक्स्ट इज IVF। इफ IUI इज नॉट गेटिंग सक्सेसफुल, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, क्योंकि आप एज के साथ तो आगे बढ़ ही रहे हैं। नेक्स्ट, जो इन सब प्रोसीजर से जो गुजरता है, एक तरीके का मेंटली स्ट्रेस उसके अंदर आ जाता है, तो उस स्ट्रेस को आगे नहीं बढ़ाना है। और भी काफ़ी सारी आपके पास में फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, तो आप उनके साथ आगे बढ़िए और ट्राई करते रहिए और अपने डॉक्टर पे विश्वास रखिए। थैंक यू, बी हैप्पी, बी सेफ।